हेलो एवरीवन, दिस मोहम्मद एहसान, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी जो मैं जा रहा हूँ हैदराबाद मेट्रो के ऊपर, आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हैदराबाद मेट्रो जाएंगे हम यहाँ से। हम अभी ओल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी हैदराबाद, ओल्ड सिटी में मेट्रो अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप जानते हो, तो कुछ लोगों को नहीं पता। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लेना। तो आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसके बाद सर्च बटन में क्लिक करना है। उसके बाद सर्च करना है हैदराबाद मेट्रो एप्स, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा एप्स ओपन हो जाएंगे, बहुत सारा होंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है हैदराबाद मेट्रो टाइमिंग्स बोल के, इस पर क्लिक कर देना सिंपली। तो ये डाउनलोड कर लेना, इसका राइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, 4.3 राइटिंग है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कमेंट भी पढ़ सकते हो लोगों का। ये बहुत सारा बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं बताऊँगा। इसको ओपन कर लेना, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, अलाउ कर देंगे, आप परमिशन दे देंगे, पहले परमिशन मांगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम ओल्ड सिटी से मेट्रो देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कौन सा मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, पहले हमें ये जानना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन पे जाएंगे, लोकेशन को ऑन करेंगे अपना। लोकेशन को ऑन करने के बाद जो नियर बाय स्टेशन है वो आ जाएगा। देखो यहाँ से देख सकते हो एमजी बस स्टेशन, ये ओल्ड सिटी हैदराबाद से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखा देगा और वहाँ पर चला जाएंगे जहाँ पर सच रोड है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। देखो तो मुझे जाना है जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली क्लिक करेंगे, बीच में क्लिक कर देंगे। देख एमजी बस स्टेशन से जुबली हिल्स चेक पोस्ट तक जाने के लिए 21 मिनट्स लग रहा है, 40 रुपीस फेयर है इसका, 13 स्टॉप है, स्विचेस एक है, एक से इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये वही यही है अमीरपेट, सबसे बड़ा है वो इंटरचेंज के लिए, ठीक है। अमीरपेट से एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ के गूगल मैप की मदद भी ले सकते हो यहाँ से चाहिए तो। तो मैं आपका दूसरा दिखा देता हूँ, इसका फीचर बहुत अच्छा अच्छा है। तो मुझे जानना है कि मैप के बारे में, ठीक है, रोड तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हैदराबाद मेट्रो की मैप मिल जाएगा, जैसे कि मैं 3 लाइन हैदराबाद मेट्रो में देख सकते हो, फर्स्ट रेड लाइन, देन ग्रीन लाइन, देन ब्लू लाइन। ग्रीन लाइन जो है उसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चालू नहीं हुआ, इसका काम अंदर चल रहा है, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इसका, ठीक है। यहाँ से मैप भी ले सकते हो, ये ऑफिशियल कहाँ से है मालूम है, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो और चीज़ बता देता हूँ, प्लेसेस देख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हो हैदराबाद को, कहाँ कहाँ घूमना है, यहाँ से प्लेसेस भी देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे जगह हैं यहाँ से देखने को। और दूसरा चीज़ भी बता देता हूँ, यहाँ से इनवाइट फ्रेंड कर सकते हो, न्यूज़ अपडेट पे क्लिक करके न्यूज़ अपडेट दे सकते हो हैदराबाद मेट्रो का डेली। तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ हैदराबाद मेट्रो के बारे में डिटेल्स में, कब चालू किया था हैदराबाद मेट्रो को। सिस्टम लेंथ जिसका है 56.5 किलोमीटर, फर्स्ट ऑपरेशन किया गया था हैदराबाद मेट्रो को, चलाया गया था 29 नवंबर 2017 में चलाया गया था, ठीक है। तो इसका जो प्रेस वन है उसका 3 लाइन है, प्रेस वन हैज 3 लाइन, फर्स्ट इज रेड लाइन विच इज ऑपरेट मियापुर 12 मिनट 27 सेकंड 29 किलोमीटर, सेकेंड इज ग्रीन लाइन जो जाती है जेबीएस टू फलकनुमा 15 किलोमीटर, लाइन 3 जो है वो है ब्लू लाइन जो जाती है नेगोली टू रायदूर 24 स्टेशन 28 किलोमीटर। जो प्रेस टू है उसका प्लान किया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, आरजे एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनेगा ये, अभी कोई अपडेट नहीं है। चलिए देखते हैं, तो चल के देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।